जो आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम कल की कक्षा में लिंग के बारे में पढ़ रहे थे, कल हम ये जान चुके हैं कि लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि यह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो हम उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। लिंग में दो प्रकार है, जैसे कि एक है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। अब हम लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पर पुल्लिंग के बारे में दिया गया है कि पुल्लिंग शब्द को हम कैसे पहचाने, यहाँ पे कुछ नियम है, उसको हम पहचानने के बाद हम आसानी से हम पुल्लिंग शब्द को पहचान सकते हैं। सबसे पहले अकारांत आकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों में अकारांत होता है और आकारांत होता है वह शब्द जो है पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि राम, सूर्य, क्रोध, समुद्र, चीता, घोड़ा, कपड़ा, घड़ा आदि ये सारे शब्द जो है पुल्लिंग है। और दूसरा नियम है वे भाववाचक संज्ञा जिनके अंत में त्व, व, य होता है वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों में त्व और व य आता है वो शब्द जो है पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि गुरुत्व, गौरव, शौर्य आदि जो शब्द है पुल्लिंग है। तीसरा नियम जो ये है जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आव, खाना जुड़े होते हैं वे भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, घुमाव, भुलाव, पागल, ये सारे जो शब्द हैं पुल्लिंग है। और यहाँ पे जो स्त्रीलिंग शब्द को हम कैसे पहचानना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जिन जो शब्द शब्दों का अंत जो है आकारांत से होता है वो शब्द जो है स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि लता, रमा, ममता ये जो शब्द है स्त्रीलिंग है। और ईकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जो शब्द ईकारांत से अंत होते हैं वो शब्द भी स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे रीति, तिथि, थानी ये जो शब्द है स्त्रीलिंग होते हैं। और इसमें कुछ किंतु इसके अपवाद भी हैं, जैसे कि कवि, कपि, रवि ये जो कवि जो है लेखक को कहते हैं, ये जो पुल्लिंग शब्द है। कपि जो है बंदर को कहते हैं, ये पुल्लिंग शब्द है। और रवि जो सूर्य को कहते हैं ये भी पुल्लिंग शब्द है। और अगला जो नियम है आई, इया, आवट, आहट, ता, इमा प्रत्यय वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि लिखाई, डिबिया, मिलावट, घबराहट, सुंदरता, महिमा ये जो सारे शब्द हैं ये स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। और कुछ यहाँ पे उदाहरण हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के, जैसे कि योगी, योगिनी, मोर, मोरनी, बेटा, बिटिया, चोर, चोरनी। जिस तरीके से हम लिंग के बारे में इस प्रकार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आप इसको घर में पढ़कर अधिक जानकारी प्राप्त कर इसके अंतर्गत जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा उसको आप पूरा करने का प्रयत्न करें।